कलयुग में 8 चिरंजीवियों में सबसे प्रथम स्थान श्री हनुमान जी का है। उस श्री हनुमान जी का प्रथम स्थान होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने हर युग में श्री राम जी के अवतार का साथ दिया है। कलयुग में भी कल्कि अवतार का साथ देने के लिए ये 8 चिरंजीवी मौजूद हैं। आज भी श्री हनुमान जी किष्किंधा के अंजनेय पर्वत पर आज भी श्री राम जी की उपासना कर रहे हैं। हनुमान जी से की हुई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। आप उनकी पूजा करते रहें, निरंतर पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होगा। हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। सावन का जो त्योहार आ रहा है, सावन भर इसका आप जाप कर सकते हैं, कितनी बार भी जाप कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है जिसका लाभ मैंने भी उठाया है और जिन जिन ने इसको चौपाई का जाप किया है उन लोगों ने भी इसका लाभ उठाया है। वह चौपाई है, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाही। इस चौपाई का आप जितनी बार भी जाप करते हैं उतनी बार हनुमान जी की दृष्टि आप पर होती है और वह आपके लिए मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। बस ये आपको श्रद्धा पूर्वक काम करना है, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। जय श्री राम।